आज हम बात करने वाले वन पीस चैप्टर 11-17 के धमाकेदार स्पॉयलर्स के बारे में, जिसमें जोरो वर्सेस नाथ जीरो हो सकता है और वेगापंक का एक मिस्टीरियस मैसेज रिवील होगा, और हमें ये भी पता चलेगा कि गोरोसे का क्या प्लान है और डी इनिशियल वाले लोगों के लिए क्या खास है। तो सबसे पहले हम इसके कवर पेज से शुरू करते हैं। इस बार हमें देखने को मिलता है कि यामाटो योगोरो और नेको मामुशी से मिलने जाती है। योगोरो एक समुराई लीडर तो है ही, बट साथ में वो ओडन के लिए एक मेंटर जैसे था, इसलिए यामाटो उससे मिलने आई है। और नेको मामुशी तो ओडन के वेसल्स में से एक है, उससे मिलना तो बनता ही था। दिन ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक हॉस्पिटल से, जहाँ सारे स्वॉर्ड्स मेंबर को हॉस्पिटल में रिकवर होते हुए दिखाया गया है। और ये लोग हॉस्पिटल में इसलिए क्योंकि इन्होंने गार्प के साथ मिलकर बिहेव आइलैंड पे अटैक कर दिया था, क्योंकि इन लोगों को कोबी को बचाना था। फिर हम ताशिकी को देख सकते हैं जो स्मोकर से बात कर रही है, और उससे हमें ये पता चलता है कि स्मोकर भी हॉस्पिटल जाने वाला है। फिर वेगापंक जो एक जीनियस साइंटिस्ट है वो अपना मैसेज कंटिन्यू करता है। अब वेगापंक का ये मैसेज कुछ खास लोगों के लिए है, और वो खास लोग कौन है ना वो आपको आगे पता चली जाएगा। बट उससे पहले हम इस चैप्टर में जोरो का बैटल देख सकते हैं जो नाश जोरो के साथ हो रहा है। नाश जोरो जोरो के कितित्सु ब्लेड को पहचान लेता है। हाँ, ये जोरो की वही का स्वॉर्ड है जो उसने लॉकडाउन में ली थी, और इसे बहुत पावरफुल और डेंजरस भी माना जाता है। ये बैटल काफी इंटेंस होने वाला है, और देखना होगा कि जोरो नाश जोरो को कैसे हराता है, जो कि मुझे अभी के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर बाकी के गोरो से एंशंट रोबोट को घेर लेते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में यॉर्क ने गोरोसे को बताया था कि ब्रॉडकास्ट वाला डेंडेनमुशी एंशंट रोबोट के अंदर है। और भाई, अब गोरोसे और एंशंट रोबोट की फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। फिर हम फाइनली वेगापंक का मैसेज देख सकते हैं, और ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके नाम में डी इनिशियल है। और साइड पैनल्स में हम ड्रैगन, ब्लैकबियर्ड, साबो और दूसरे कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं। और हमने देखा है कि वन पीस के अंदर डी इनिशियल वाले लोग हमेशा एक मिस्ट्री रहे, और स्टोरी में उनका रोल काफी सिग्निफिकेंट रहा है। तो वेगापंक का मैसेज शायद इनकी हिस्ट्री या डेस्टिनी से रिलेटेड कुछ रिवील कर सकता है। फिर जब गोरो से एंशंट रोबोट पर अटैक करते हैं ना, तो ब्रॉडकास्ट प्रीमैच्योरली एंड हो जाता है, जिससे फाइनली वेगापंक का मैसेज और ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, वेगापंक ने क्या रिवील किया होगा, विल ऑफ डी या कुछ और? एंड आई गेस ये हमें फुल स्पॉइलर आने पे पता चल सकता है। उसे मिस ना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। और हाँ, गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।